हेलो गाइस, तो आज हम बना रहे हैं मशरूम की सब्जी। हमने लिया है बटन मशरूम, जिसे हम बना रहे हैं देसी तरीके से चूल्हे में। ये मेरी सबसे पहले हमने डाला है तेल करीब 2 बड़े चम्मच। फिर हमने डाला है जीरा 1 चम्मच। फिर हमने उसमें डाला है लहसुन, खड़ी लहसुन डालने से टेस्ट बहुत अच्छा लगता है। और उसमें हमने डाला है कड़ी पत्ता। फिर इसको हम थोड़े से हल्के से चला लेंगे। फिर उसमें हमने डाला है प्याज और मेथी। फिर इसमें हम ऐड करेंगे मशरूम को, जिसे हमने धोकर फ्रेश काट कर लिया है। फिर इसको मिक्स कर लेंगे अच्छे से। पहले मसालों को थोड़ा सा भूनने देंगे। मशरूम को हम सभी को डालेंगे सब्जी को। फिर इसको चलाएंगे अच्छे से। बटन मशरूम खाने में बहुत ही टेस्टी और लाजवाब होता है, और इसमें भी ही विटामिन और प्रोटीन रहते हैं। को हम अच्छे से भून लेंगे सब्जी को थोड़े थोड़े देर में। इनको चलाते रहेंगे, देखिए इसमें कितना सारा पानी निकल रहा है मशरूम में। इसको हम भूनते करीब 15 मिनट हो गया। इसका जो पानी है वो पूरा सूखेगा तभी ये अच्छे से भूनेगा। फिर इसके पानी को हम अच्छे से सूखने देर तक इसको पकाएंगे चलाते हुए। इनके पानी को ये मशरूम से ही निकला हुआ पानी लेंगे। देखिए बहुत देर हो गया घूमते, इसमें इस प्रकार से इसका कलर आया है। देखिए हमारी सब्जी में कितनी सारी पानी है और ये सूख रही है हमारी सब्जी। थोड़ा सा ही बस बचा है उसमें पानी। हम इनको बहुत अच्छे तरीके से भूनेंगे। देखिए इसका कलर है जो हल्का ब्राउन हो गया है, और हमारी सब्जी शुरू में कितनी थी अब कितनी रह गई है। देखिए मशरूम ने अपना तेल अलग छोड़ दिया है और अपने तेल से ही ये खुद भून रही है। जो हमने शुरू में तेल डाला था वो, और मशरूम से भी इसमें तेल निकलता है। देखिए हमारी मशरूम अब भुनने को है, तो हम इसमें हरा मटर डाल दिए हैं, क्योंकि मशरूम हमारी अच्छे से लाइट ब्राउन होने तक भुन गई थी। तो हमने इसमें मटर डाल दिया है, फ्रेश ग्रीन मटर। इनको भी हम थोड़ा सा भुनने देंगे। हम चाहे तो मटर को अलग से भी भून सकते हैं मशरूम को निकालने के बाद में, लेकिन इनको हम साथ ही में भून देते हैं क्योंकि हम चूल्हे में देसी तरीके से बना रहे हैं सब्जी। तो गांव में अक्सर चूल्हे में ही सब्जी बनती है। मैं तो गैस पर बनाती हूँ, लेकिन मेरी जेठानी है वो चूल्हे में बनाती है रोज़ाना। तो आज उसी के मैं वीडियो बना रही हूँ उसी के यहाँ से। उनको हम अच्छे से चला लेंगे, जो मटर ला लेते हैं उनको। फिर हम इसमें डालेंगे 2 बड़े चम्मच नमक। नमक अपने स्वाद के अनुसार लेंगे। फिर मिक्स कर लेंगे सभी सब्जी को।
बटन मशरूम बहुत ही टेस्टी और हेल्दी होते हैं खाने के लिए। अब इनको हम निकाल लेंगे एक थाली में, फिर हम इसमें मसाला भूनेंगे। हमारी मशरूम है वो ऑलमोस्ट पक गई है पूरी तरीके से, करीब आधा घंटा लगा है इनको भूनने में। आप लोग भी एक बार इसको ज़रूर बनाइए। फिर इसी में हमने डाला है छोटा सा छोटा चम्मच तेल, और इसमें हम थोड़ा सा जीरा डाल रहे हैं। फिर इसमें हम अदरक लहसुन प्याज का जो पेस्ट बनाते हैं उसे डालेंगे, फिर उसे हम थोड़ा भूनेंगे। अदरक लहसुन प्याज की मसाला है जिसे हम भून रहे हैं, जिसे हमने कद्दूकस करके लिया है ग्रेटर में। देखिए हमारे मसाले में कितनी अच्छी वो आई है। फिर इसमें हम डालेंगे टमाटर, टमाटर को भी हमने ग्रेट करके लिया है। फिर इनको अच्छे से 5 से 10 मिनट इनको अच्छे से भूनने देंगे। साथ ही हम इसमें ऐड कर देंगे हल्दी पाउडर 2 चम्मच। से अपने अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ले सकते हैं, अपने पसंद के अकॉर्डिंग। साथ ही हम इसमें डालेंगे 2 बड़े चम्मच मिर्च पाउडर। मिर्च भी आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ले सकते हैं। चम्मच छोटी है इसलिए 2 बार करके डाल रहे हैं। फिर इसमें हमने डाला है गरम खड़ी मसाला जिसे हमने पीस के लिया है सिलवट्टे पे, उसे हमने ऐड किया है। और थोड़ा सा 2 चम्मच करीब इसमें पानी डाला है ताकि ये मसाले अच्छे से मिक्स हो जाए। फिर हमने इसमें डाला है धनिया पाउडर, मसालों को अच्छे से 15 से 20 मिनट तक भून लेंगे। इसमें हमने डाल दिया है धनिया पत्ती। फिर इसमें हमने थोड़ा सा और पानी डाला है, सूख गया था मसाला को। मसाला हमारी करीब भूनने को है, इसमें हम डाल रहे हैं गरम मसाला। इसे भी हम मिक्स कर लेंगे। सभी मसालों को हम मिक्स कर लेंगे अच्छे से। मसालों में हमने थोड़ा सा नमक और डाला है ताकि टमाटर जो डाला है उसमें भी नमक से मसाले में भी मिक्स हो जाए अच्छे से। देखिए मसाले हमने अपनी इसमें तेल छोड़ने को है तो हमारे मसाले बहुत अच्छे से पक गए हैं। अब इसमें हम ऐड करेंगे मशरूम को जो हमने निकाले हैं। इसमें हमने थोड़े से गरम मसाला पाउडर डाला है, मसाले बहुत अच्छी तरीके से भून गई है। करीब इनको भूनते भूनते 15 से 20 मिनट हो गया है।
अब इसमें हम ऐड करेंगे मशरूम को। देखिए हमारे मशरूम को हमने ऐड कर दिया है, उसको मिक्स कर दिया है मसालों के साथ में। तो इनको भी हम 10 मिनट पकाएंगे ताकि सभी मसाले मशरूम में अच्छे से मिक्स हो जाए, उनका फ्लेवर उनका टेस्ट एक दूसरे में मिक्स हो जाए। तो अच्छे से हमने मिक्स करके भून लिया है। को अच्छे से चलाते रहेंगे ताकि नीचे से ये जले ना। हम इसे चूल्हे पर बना रहे हैं, इसमें हम पानी ऐड करेंगे। पानी ऐड करने के बाद में इनको 10 से 15 मिनट इनको और अच्छे से पकने देंगे। देखिए हमारी सब्जी में उबाल आ रही है। इनको करीब 15-20 मिनट तक और पकने देंगे पानी में। इनका पानी जब पूरा सूख के थोड़ा कम हो जाएगा तब इसको निकालेंगे हम। करीब 5 मिनट हो गए इनको पके हुए। देखिए इसमें और भी पानी है, इसको तो और पकने देंगे हम। इसको बीच बीच में चलाते रहेंगे ताकि इसका जो अंदर में ये जमे ना। देखिए 10 मिनट हो गए पकाते हुए सब्जी को। देखिए तेल पूरा ऊपर आ गया है सब्जी में, जो हमने तेल डाले थे, तेल और मसाले बहुत अच्छे तरीके से बॉयल होकर पक गई है। बीच में हमने इसको चलाते हुए पकाया है ताकि ये अंदर बैठे ना। देखिए हमारी सब्जी को 15 से 20 मिनट हो गया उबलते हुए, इसमें बहुत कम रस बचा है और ये गर्म है अभी, और इसमें और मसाला डलेगा तो ये निकलने के बाद में पूरी सूखी हो जाएगी। तो इसे हम ऐसे ही निकालेंगे। तो देसी स्टाइल में बनकर तैयार है हमारी सब्जी। आप लोग भी कभी बनाइएगा और बताइएगा कि कैसा लगा। हमने बहुत ही सिंपल और सीधी तरीके से बनाई है सब्जी को चूल्हे में। अब इसे हम सर्व करेंगे, मसाला इसमें ऊपर से और डालेंगे। इसमें हमने बहुत ज़्यादा पानी नहीं रखा है। देखिए हमारी सब्जी तैयार है, उसे हम ऊपर से और धनिया डाल के गार्निश करेंगे। धनिया हमने और भी डाला था और गार्निश के लिए थोड़ी बचा के रखी है। देखिए हमने इसे एक बाउल में निकाल लिया है। तो आप लोग भी ट्राई कीजिएगा और बताइएगा कैसे।